हेलो फ्रेंड्स, मैं मोतोयरे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूं फ्रेंड। और यार बता दूं, जैसे ही आप लोग का 3.3 वर्जन का अपडेट आ जाएगा, उसके बाद में जो आप लोग का पॉपुलैरिटी बैटल है, इसके अंदर में काफ़ी सारे न्यू चेंजेस हो चुके हैं। तो उसी को लेकर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर बात करूँगा। तो आप लोग अपने वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, और साथ में चैनल में पहली बार आओ जैसे आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या है, यहाँ पर सीधा आप लोग को लेकर चलता हूँ पॉपुलैरिटी बैटल के अंदर। और देख सकते हो फिलहाल के लिए पबजी मोबाइल के अंदर में तो पॉपुलैरिटी बैटल आ चुका है, और बीजीएमआई के अंदर जैसे ही 3.3 वर्जन का अपडेट आ जाएगा, उसके साथ में आप लोग पॉपुलैरिटी बैटल का भी इवेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी रही बात है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो आप लोग आइए यहाँ पे बता दूं कि ये जो टाइमिंग रहता है इसको लेकर तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ना ही राउंड में आप लोग चेंजेस हुआ है, लेकिन जो रिवार्ड्स है इसके अंदर में काफ़ी सारे न्यू चेंजेस हो चुके हैं। तो आइए एक एक आप लोग बताता हूँ। तो सबसे पहले तो गए यहाँ पे चेंजेस ही हुआ है कि अब गए यहाँ पे देख सकते हो टोटल मिला के आप लोग को बैटल के अंदर 10 लेवल का रिवार्ड यहां पे दिख रहा है, जो कि पहले गए जहां पे 8 या 9 लेवल तक था, तो अब गए जहां पे इसको 10 लेवल के लिए कर दिया गया। और दूसरा गए जहां पे देख सकते हो जो आप लोग का यहां पे पॉइंट है, वो गए जहां पे अभी बता दूं कि जो 4 लेवल है वहां तक तो कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद में गए जहां पे जो आगे का लेवल है इसमें गए जहां पे देख सकते हो जो पॉइंट है वो थोड़ा कम कर दिया गया। जैसे गए जहां पे देख सकते हो लेवल 5 के लिए पहले 230 चाहिए था, अब 220 कर दिया गया। फिर इसी टाइप से गए जहां पे देख सकते हो लेवल 6 के लिए पहले 270 चाहिए था, तो 250 कर दिया गया। और इसी टाइप से नीचे में गए जहां पे देख सकते हो पहले लेवल 8 के लिए 340 पॉइंट चाहिए था, लेकिन अब आप लोग को लेवल 9 के लिए 340 पॉइंट यहां पे चाहिए। तो ये तो चले गए जहां पे लेवल वाइज आप लोग का, यहां पे मैंने बता दिया कि 10 लेवल रहेगा, और साथ में यहां पे जो आप लोग का पॉइंट सिस्टम है इसमें भी गए जहां पे लेवल 4 तक का छोड़ के आगे का पॉइंट को थोड़ा कम कर दिया, यानी कि बोल सकते हो गाइस कि जो लोग यहां पे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं उन लोग को ज्यादा यहां पे फायदा दिया जा रहा है। बाकी रिवार्ड्स के बारे में बात करो तो लेवल 1 में तो चलिए यहाँ पे बेसिक रिवार्ड है, लेवल 2 का गए जहाँ पे रिवार्ड के बारे में बात करूँ तो देख सकते हो गए जहाँ पे एक पॉपअप फिनिश है जो कि आप लोग देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा गए जहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो इसी के अंदर में गए जहाँ पे देख सकते हो आप लोग को गए जहाँ पे जो सोशल प्लेयर कार्ड रहता है ये यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसका भी गए जहाँ पे लुक देख सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो लेवल 3 में गए जहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आप लोग एक इन्फो कार्ड है जो कि यहाँ पे मिल जाएगा, और साथ में गए जहाँ पे नेक्स्ट आप लोग इसी के अंदर रिवार्ड के बारे में बात करो तो इसके अंदर में गए जहाँ पे देख सकते हो वही जो आप लोग का यहाँ पे पॉपुलैरिटी बैटल का जो यहाँ पे कॉइंस रहता है ये मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा जहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे जो लेवल 4 है इसके अंदर में एक और यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया, जहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो जो अवतार फ्रेम और साथ में जो अवतार रहता है दोनों को एक साथ में गए जहाँ पे लेवल 4 के अंदर में यहाँ पे ऐड कर दिया गया। और बाकी इसके अलावा जहाँ पे लेवल 5 के रिवार्ड के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो लेवल 5 के अंदर में गए जहाँ पे बता दूँ कि एक बार फिर से गए जहाँ पे जो हेलीकॉप्टर वाला जो पॉपुलैरिटी पॉइंट्स है इसको वापस यहाँ पे ऐड कर दिया गया। और इसके अलावा यहाँ पे साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो गए यहाँ पे डायनेमिक प्लेयर कार्ड है ये भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि ये जो हेलीकॉप्टर वाला पॉपुलैरिटी पॉइंट्स है इसको वापस गेम के अंदर ऐड कर दिया जाना चाहिए। तो इसी कारण से गए यहाँ पे बता दूँ कि इस बार का जो अपडेट है इसके अंदर में जो हेलीकॉप्टर वाला पॉपुलैरिटी पॉइंट्स है इसको वापस यहाँ पे ऐड कर दिया गया, तो ये आप लोग का न्यू चेंजेस है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग बात करो तो लेवल 6 के अंदर में गए जहां पे बता दूं कि एक और आप लोगों का चेंजेस हो चुका है, और इसके अंदर में गए जहां पे बता दूं कि एक न्यू टाइप का रिवार्ड है जो कि ऐड हुआ है। देख सकते हो गए जहां पे चैट रूम बैकग्राउंड करके, अब ये एग्जैक्टली होता क्या है आई गए जहां पे थोड़ा सा आप लोग को शॉर्ट में समझाता हूं कि एक्चुअल में यहां पे जो चैट रूम बैकग्राउंड है ये एक्चुअल में है क्या, और इसका यूज हम लोग कहां पे कर सकते हैं। तो इसके लिए गए जहां पे बैक लेके चलता हूं, और इसके लिए गए जहां पे जो कस्टम वाला ऑप्शन यहां पे आता हूं, और यहां पे आप लोग देख रहे हो गाइस कि जो आप लोग का यहाँ पे जो कैरेक्टर इसके पीछे में कुछ आप लोग को यहाँ पे एक छोटा सा गए जहाँ पे बैकग्राउंड टाइप का दिख रहा है। और जैसे गए जहाँ पे लास्ट में जाइएगा तो देख सकते हो गए जहाँ पे एज ए डिफॉल्ट में तो एक आप लोग को यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाएगा, और दूसरा गए जहाँ पे देख सकते हो एक और आप लोग दिख रहा है यही इंटरस्टेलर करके गए जहाँ पे ये चैट रूम बैकग्राउंड है, तो ये आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी गए जहाँ पे बात आती है कि इसको एक्चुअल में हम लोग कहाँ पे जाकर यूज कर सकते हैं, तो अभी गए जहाँ पे थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ और पूरा यहाँ पे बैक आते हैं, और लॉबी में गए जहाँ पे पता हो कि वर्ल्ड चैट आप लोग रहता है तो इसी में आ जाना, और बिल्कुल जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद गए जहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे गए जहाँ पे आप लोगों को नाम वगैरह दिख रहे होंगे, और बता दो गए कि इसी पे आप लोग यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हो गए यहाँ पे पीछे का जो बैकग्राउंड है ये आप लोग को चेंज यहाँ पे दिख रहा है। तो बता दो गए कि इसी के अंदर में जो आप लोग बैकग्राउंड है ये चेंज हो जाएगा जैसे आप लोग लेवल 6 कर लीजिएगा उसके बाद में।
बाकी रही बात गाइस की जो चैट रूम है इसके अंदर में एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पे बता दूं गाइस की कोई भी टॉपिक के ऊपर आप लोग चाहते हो गाइस यहाँ पे रैंडम पीपल के साथ यानी कि रैंडम यहाँ पे प्लेयर के साथ आप लोग गाइस यहाँ पे चैट वगैरह कर सकते हो। और वो भी गाइस यहाँ पे बता दूं कि माइक के थ्रू यानी कि यहाँ पे आप लोग चाहते हो आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे बात कर सकते हो कोई भी टॉपिक के ऊपर। और इसमें गाइस यहाँ पे सारे रैंडम प्लेयर रहेंगे और देख सकते हो गाइस यहाँ पे आप लोग दिख रहा हो कि काफी सारे यहाँ पे प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अगर आप लोग को भी यहाँ पे बात करना है तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे रिक्वेस्ट टू स्पीकर के जो ऑप्शन लिखा हुआ दिख रहा है उसी पे आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना पड़ेगा। और बाकी गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूरा रूल्स यहाँ पे बताया गया जिसमें गाइस यहाँ पे बोला गया कि मिनिमम आप लोग का 25 लेवल से गाइस यहाँ पे ऊपर का आईडी होना चाहिए तभी जाकर आप लोग चैट रूम के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा गाइस यहाँ पे काफी सारे रूल्स है तो ये चीज आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। बाकी इसके अलावा गाइस आते हैं बैक और अभी गाइस यहाँ पे मैंने लेवल 6 का रिवार्ड आप लोग बता दिया जो कि पहली बार गेम के अंदर ऐड हुआ है। बाकी इसके अलावा थोड़ा और आगे जाएगा तो इसी में गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक एक्स्ट्रा रिवार्ड है जो कि यहाँ पे आप लोग का ऐड हुआ है जिसमें गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो लेवल 7 है इसमें तो गाइस यहाँ पे जो इन्फो कार्ड है ये तो मिल ही रहा है लेकिन इसके अलावा गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो पॉपुलैरिटी कॉइन है ये गाइस यहाँ पे 100 और बढ़ा दिया गया जिसमें गाइस आप लोग पता हो कि फिलहाल के लिए पहले 200 मिल रहा था लेकिन अभी गाइस यहाँ पे क्या हुआ कि इसको बढ़ा के अब 300 कर दिया गया। तो अगर आप लोग लेवल 7 तक जा पाते हो तो आप लोग को 300 गाइस यहाँ पे पॉपुलैरिटी कॉइन मिलेगा। बाकी लेवल 8 में गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को गाइस यहाँ पे जो पार्टनर पोज रहा था ये मिलेगा और इसका इफेक्ट देख सकते हो गाइस काफी ज्यादा सही लग रहा है तो ये गाइस यहाँ पे आप लोग को लेवल 8 के अंदर मिलेगा। बाकी इसके अलावा गाइस यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो इसी के अंदर में गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो चैट बॉल है ये आप लोग को लेवल 8 के अंदर मिल जाएगा। बाकी लेवल 9 के रिवार्ड के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर में गाइस यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आप लोग एक लॉबी मिल जाएगा जो कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा सही लग रहा है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो इसी के अंदर में गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो निक नेम रहता है ये आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी इसके अलावा गाइस यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट गाइस यहाँ पे देख सकते हो लेवल आप लोग का 10 होता है जिसके अंदर में गाइस यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड है जो कि आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये चीज गाइस यहाँ पे BGMI के अंदर आता है या फिर नहीं ये तो गाइस यहाँ पे BGMI को भी पता है लेकिन फिलहाल के लिए PUBG मोबाइल के अंदर आ चुका है। और साथ में गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक स्टिकर है जो कि गाइस यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा और इसका यूज तो आप लोग को पता होगा इसकी जो कलेक्शन में लगे जहाँ पे आप लोग का एग्जीबिशन हॉल रहता है वहाँ पे जाकर आप लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो और वहाँ पे गाइस ये आप लोग का यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये था गाइस यहाँ पे कंप्लीट पॉपुलैरिटी बैटल का इवेंट और साथ में क्या क्या यहाँ पे न्यू चेंजेस हुआ है एक एक करके गाइस यहाँ पे मेरा आप लोग पूरा डिटेल में बता दिया। बाकी इसके अलावा गाइस यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी जैसा कि मैंने बोला गाइस कि जैसे ही BGMI के अंदर आप लोग का 3.3 वर्जन का अपडेट आ जाएगा उसके साथ में ये जो पॉपुलैरिटी बैटल का इवेंट है आप लोग को BGMI के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो बस गाइस यही था जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोग बताना था। इसके अलावा आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।